बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद और मेरे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लास्ट एपिसोड में हमने व्यूअर्स को कोशिश यही थी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस समझाए। मकसद ये था कि कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं पढ़ना, लेकिन अक्सर देखा जाता है सुनील कि लोग क्या करते हैं, जब वो टेक्निकल एनालिसिस सीखने की चाह रखते हैं, सीखना शुरू भी कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि सारी थ्योरीज लगानी होगी टू डिराइव अ कंक्लूजन। उन्हें लगता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी लगा दें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी लगा दें, राउंड टॉप्स भी लगा दें, राउंड बॉटम्स, एक्स वाई जी, सारी थ्योरीज उन्हें लगता है कि एक साथ लगा देंगे तभी शायद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकलेगा। कितने हद तक सही है ये बात? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी बात किया है ये कि हमारा बिहेवियर जब भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मार्केट हमारे को पनिश करता है। ये हमने देखा है पीछे हिस्ट्री में और अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों के साथ देखा है। एग्जैक्टली। अब आपने जैसे बात किया कि टेक्निकल एनालिसिस हो या मार्केट की किसी भी तरह की कोई भी स्टडी हो, जब भी हम मार्केट को एनालाइज करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे को अपना बिहेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सबसे पहली ये बात। राइट। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो जब स्टार्ट हुआ है, आप सोचिए उसका बेस क्या था। उसका बेस यह था कि प्राइस बिहेवियर को हमें रीड करना है। राइट। अब प्राइस बिहेवियर को रीड करने के लिए हमने कई तरह के टूल्स बना लिए। उसमें रिट्रेसमेंट्स भी हैं, उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी हैं, जो भी आपने नाम लिए, जितने भी नाम है टेक्निकल एनालिसिस में, हमने बहुत सारे टूल्स बनाए। लेकिन वो टूल्स हैं, उनको हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये सब कुछ है और इन्हीं से हमें प्रॉफिट आएगा। सबसे मेन चीज है प्राइस। अगर हम प्राइस का बिहेवियर रीड करना नहीं सीखेंगे तो ये सब चीजें बेकार हैं। अभी मेरे साथ खुद इंसिडेंस हुआ। एक हमारे स्टूडेंट ही थे, वो आए हमारे पास अपना चार्ट लेके कि सर मुझे कुछ पूछना है आपसे। तो मैंने उनका चार्ट देखा तो मैंने उनसे पूछा इस चार्ट में जो असली चीज दिखनी चाहिए तो वो तो दिख नहीं रही। यानी इतने सारे उन्होंने थ्योरीज लगा दी। उन्होंने बहुत सारी लाइन लगा दी, इधर भी लाइन उधर भी लाइन, सब काली पीली नीली सब कुछ लगा दिया उसके ऊपर। और जो चीज दिखनी चाहिए, मैंने इसको कहा वो कहाँ है? बोले सर क्या? मैंने कहा भाव। प्राइस कहाँ है इसका? एक्चुअल चीज प्राइस है। आप कुछ भी लगाएंगे, आप एवरेजेस लगाएंगे, आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, सब डेरिवेटिव्स है, सब प्राइस के ऊपर लगेगा, लेकिन आपको प्राइस तो दिखना चाहिए। राइट सुनील, शायद इसलिए कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम यहाँ प्रमोट जरूर करें कि आपको टेक्निकल एनालिसिस चार्ट एनालिसिस करने के बाद ही अपना कंक्लूजन डिराइव करना है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें मत लगाइए आप, बहुत थ्योरीज मत लगाइए। बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है। okay. आपको बहुत ही थोड़ी चीजों से उनके अंदर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक छोटा बच्चा था जापान में, वो जूडो सीखने के लिए गया। उसके मास्टर ने उसको बोला कि ठीक है आप आ जाइए। उसका एक हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड नहीं था उसका। okay. लेफ्ट हैंड। तो उन्होंने बोला ठीक है आप सीख सकते हैं, आप आ जाइए। तो अब जैसे लेवल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल्स होते हैं, तो फर्स्ट लेवल में जैसे सारे बच्चे थे वैसे उनको भी डाल दिया। उसको भी बोल दिया कि आप ये कीजिए, एक किक का उसको बोल दिया कि ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। okay. एक खास तरह का किक और एक खास तरह का मूव उसको बता दिया गया कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। राइट। सारे बच्चे भी कर रहे थे, वो भी कर रहा था। अब थोड़े दिन बीते तो आगे का लेवल आना था। अब मास्टर ने उसको आगे के लेवल में ले गए, लेकिन सारे जो और स्टूडेंट्स थे उनको बोल दिया कि आप कोई और चीज कीजिए, और उसको बोला गया आप यही कीजिए जो आप पहले कर रहे हैं। राइट, सेम स्टेप, लेवल बदल गया, लेकिन उसको नई चीजें सीखने को नहीं मिल रही। कुछ नहीं, उसको बोला गया आपने जो पहले किया है आप वही कीजिए। उसको बहुत हैरानी हुआ कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सारे उनको नई चीज सीखने को मिल रही है, मेरे को मास्टर बोल रहा है वही चीज करिए। चलो ठीक है, उसने बोला नहीं मेरे को मास्टर के आगे नहीं बोलना है, मैं जो बोल रहा है करूंगा। कुछ दिन और बीते, लेवल थर्ड आ गया। लेवल थर्ड में बाकी बच्चों को भी और कुछ कराया गया, लेकिन उसको फिर मास्टर ने बोला आप यही कीजिए। अब तो उसको बहुत दिक्कत हुआ, उसने मास्टर को बोला मास्टर मैं नई चीजें नहीं सीख पा रहा हूँ, आप मुझे कुछ और सिखाइए, मुझे कुछ और सीखना है। मास्टर ने बोला ऐसा है आप यहाँ सीखने आए हैं, जो मैं आपको बोलूंगा आपको वही करना होगा, हम बाद में रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। राइट। ऐसे लेवल बीतते गए, आगे से आगे 2, 3, 4, 5 लेवल हो गए। उसके 5-6 लेवल के बाद में कॉम्पिटिशन था एक। जितने भी लेवल्स में बच्चे थे सबका कॉम्पिटिशन था, तो कॉम्पिटिशन में उसको भी आना था, तो उसका भी फाइट हुआ किसी के साथ। तो अब वो फाइट में बहुत डरा, मास्टर को बोला मास्टर मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो सब कुछ आता है इस सामने वाले स्टूडेंट को, आपने हर चीज सिखा रखी है, हर मूव सिखाया, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे बहुत लिमिटेड मूव्स पता है, लिमिटेड एक ही मूव पता है, लिमिटेड भी नहीं एक ही मूव पता है। तो मास्टर ने बोला आपको जो सिखाया वही अप्लाई कीजिए और कुछ मत कीजिए आप। और प्रियंका जी उसने वो अप्लाई किया और स्टोरी कहती है कि वो जीत गया।
ओके, एंड क्या रीजन रहा उसका? अब उसने बाद में अपने मास्टर से पूछा, मास्टर आपने उसको 6-7 लेवल तक सब कुछ सिखाया हुआ था, उसे हर चीज आती थी और मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं जीत गया। तो मास्टर ने उसको बोला कि मैंने तुझे वो मूव सिखाया था जिस मूव के अंदर कोई भी प्लेयर तभी फेल हो सकता है जब सामने वाला जो उसका कॉम्पिटिटर है, ओपोनेंट है, उसका लेफ्ट हैंड पकड़ के अपनी तरफ पुल करे। लेकिन तेरे केस में लेफ्ट हैंड तो है नहीं तेरा, तो तू हार ही नहीं सकता उस मूव के अंदर कभी भी। इसीलिए तुझे मैंने सिर्फ उसी मूव की प्रैक्टिस करने को बोला, क्योंकि बाकी सब लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन तू सिर्फ वही कर सकता है और तू उसमें हमेशा जीतेगा। वो फिनिशर स्टेप था, यानी अगर उनके टीचर को ऑलरेडी पता था कि क्या रियल मूल मंत्र है जीत का, उसने उसको सिखा दिया। यू डोंट नीड टू बी टू कॉम्प्लेक्स, आपको हर इंडिविजुअल की जरूरत अलग है। देखिए, हर इंडिविजुअल की जरूरत अलग है। एग्जैक्टली, हम जैसे हैं हमें उसी हिसाब से बिहेवियर करना है, हम जैसे हैं हमें वही चीजें सीखने की जरूरत है, हम जैसे हैं हमें वही चीज अप्लाई करने की जरूरत है। ये स्टोरी बताती है कि आपको जीतने के लिए सब कुछ आना जरूरी नहीं है। ये स्टोरी बताती है कि आपको जीतने के लिए सिर्फ कुछ चीजें अच्छे से आना जरूरी है, जो बेसिक चीज है वो आनी जरूरी है। इनफैक्ट आपने एक और बहुत अच्छा क्यों यहां दे दिया, आपने कहा कि हर इंसान की, एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी बहुत आती है व्यूवर्स को, व्यूवर्स या निवेशक, मंझे हुए निवेशक भी शायद हो सकता है, उन्हें लगता हो, ट्रेडर्स को भी लगता हो कि अगर एक सेट पैटर्न में अपना एक सिस्टम बना लूं, एक ट्रेडिंग सिस्टम है, किसी ने फॉलो किया, वो स्टॉप लॉस फॉलो करता है, वो अनुशासन से अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो भी करता है, वही ट्रेडिंग सिस्टम कोई और अगर अप्लाई करने लग जाता है तो शायद वो इतना गेन नहीं बना पाएगा। क्या यहाँ भी वेरिएशंस होती हैं, हर इंसान की जरूरतें अलग हैं, तो क्या एक ट्रेडिंग सिस्टम दूसरे को भी अपनी मुनाफा दे सकता है? नहीं, मुनाफा दे सकता है अगर उसका नेचर भी उससे मिलता जुलता है तो। यानी बिहेवियर यहाँ मैटर करता है, बिहेवियर मैटर करता है। देखिए, ट्रेड जब सिस्टम हम बात करते हैं, हमने पहले भी बहुत बात किया इस बारे में, हम सिस्टम की बात करते हैं, उस सिस्टम को फॉलो किसको करना है? मुझको। आपका सिस्टम है, वो आपको फॉलो करना है। आपका अपना बिहेवियर बहुत जरूरी है उस सिस्टम में आना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का मूव खेलना पसंद करते हैं जी। उनको ज्यादा बड़ा मूव होता है, उनको कुछ हो जाता है, उनको 2% 3% गेन मिला, वो एग्जिट कर लेते हैं। 2% 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए बहुत है। राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको छोटे मूव में मजा नहीं आता। अब एक सिस्टम बना हुआ है जो छोटे मूव को लेने के लिए है, उसको वो आदमी अगर यूज करना शुरू कर देगा जो 2 साल 4 साल 1 साल का व्यू लेके चल रहा है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। ऐसे ही इसका उल्टा भी सच है कि जो सिस्टम एक ऐसे आदमी ने बनाया हुआ है जो कि 1-2 साल के काम करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म का कोई अगर ट्रेडर उसको यूज करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आपको अपना नेचर, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपके पास कितना कैपिटल है, आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी सिस्टम रहेगा, जैसे हमने वहां देखा, कोई भी टेक्निक, एक टेक्निक ऐसा था जो किसी को नहीं आता था, उसी स्टूडेंट को आता, लेकिन वो उस पे फिट था। आपको वो सिस्टम यूज करना है जो आप पे फिट है। यानी यहां प्रमोट बार बार ये कहते हैं कि आपको अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, लेकिन ये ट्रेडिंग सिस्टम भी आपके अपने बिहेवियरल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो वोलेटिलिटी को झेल ही नहीं पाते, हाई बीटा स्टॉक्स में वो डर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम के आगे नहीं बैठते, ट्रेडिंग स्क्रीन के आगे। अब उनको आप कोई ऐसा सिस्टम दे दीजिए जो आपको 2 घंटे का ट्रेड दे, तो वो कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए आपको अपना जो आपका बिहेवियर है, जो आपका कैपिटल है, सबसे बड़ी बात, जो आपका कैपिटल है, उसके हिसाब से एक सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। और वो सिस्टम जरूरी नहीं है कि सबके पास होगा, आपका अपना सिस्टम होगा और वो आपको खुद बनाना होगा अपने लिए। चलिए, बिल्कुल, यानी आपका अपना ट्रेडिंग सिस्टम होगा। जैसे बहुत सारी चीजें जो आपकी अपनी होती है वो दूसरा को यूज नहीं कर सकता, सेम वे यार ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं यार जी। आप दूसरे के हिसाब से, दूसरा आपको बोले मैंने जैसे जीता हूं वैसे जियो, बोले नहीं मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। यहाँ पे आपका अपना ट्रेडिंग है, आप अपने तरीके से कीजिए। बिल्कुल, तो आपको यहाँ अपना ट्रेडिंग सिस्टम, अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा। इसको बार बार लगातार हम यही कहते हैं व्यूवर्स को, यही कोशिश रहती है उनको फिर से याद दिलाने के लिए, ताकि वो इंप्लीमेंट भी करें, सिर्फ सुने ही नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। लेकिन आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट करना ना भूलें, bazaarshastra@zeenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव भेजना चाहते हैं, कोई फीडबैक भेजना चाहते हैं, कोई क्वेरी है अगर आपके मन में भी, तो आप हमें इस पे ईमेल जरूर करें। जल्द वापस हाजिर होते हैं, छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील मिंगलानी बने हुए हैं। सुनील, एक और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेरी है, इनफैक्ट ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, लेकिन आई थिंक वी शुड डिस्कस इट मोर। क्या वजह होती है कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टेड होते हैं, ये हर एक के साथ सिचुएशन होती होगी, जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टेड होते हैं वो शूट अप नहीं कर रहा होता, वो इतना राइज नहीं दिखाता, बजाय उसके जो स्टॉक्स हमारे किटी में नहीं होते, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होते, वो राइज कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द साइकोलॉजिकल रीजन ऑफ दिस? साइकोलॉजिकल रीजन से ज्यादा इसमें मार्केट का रीजन है। इसमें देखिए, मार्केट, हम जैसे मैं हर बार बोलता हूँ एक ही बात, मार्केट कोई चैरिटी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि अच्छे हैं, फंडामेंटल भी ठीक हैं उनके, लेकिन उनमें ओवर ओनरशिप का प्रॉब्लम है जी। जब भी किसी स्टॉक के अंदर ओवर ओनरशिप का प्रॉब्लम आ जाएगा, पहले ओवर ओनरशिप को समझा, ओवर ओनरशिप को समझा देते हैं। ओवर ओनरशिप का मतलब है कि लगभग हर आदमी के पास वो स्टॉक है जी, हर आदमी के पास SBI। अब जैसे रिलायंस था, देखिए आप, काफी नीचे से चलना शुरू हुआ, सालों से चल रहा है, एक हाइट ली उसने, 3,500 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट इंडिया का शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज ना। अब देखिए, वो 5 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जी। उसके फंडामेंटल में दिक्कत नहीं है, उसके टेक्निकल्स में दिक्कत नहीं है, स्टॉक में दिक्कत नहीं है, कंपनी में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ओवर ओनरशिप की है। जब तक ओनरशिप का लेवल कम नहीं आएगा, यानी कि कुछ वीक हैंड्स उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, वीक हैंड्स का मतलब पैसे में वीक, वीक हैंड्स का मतलब पेशेंस में वीक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना वेट नहीं कर सकते। अब 6-7 साल हो गए एक स्टॉक को रखे रखे, कितने दिन वेट करेगा? और यार ठीक है छोड़ो, अब रिलायंस तो चलता नहीं है, सामने सन फार्मा भागे जा रहे हैं, तो मैं इसको बेचता हूँ, वो ले लेता हूँ। ऐसे लोग शिफ्ट करते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनका जो स्टॉक है वो तो चल नहीं रहा होता, लेकिन बाकी सारे स्टॉक चल रहे होते हैं। JP एसोसिएट रुका हुआ है, सामने कोई और चल रहा है, सारे स्टॉक जो उनके पास हैं, सुजलॉन वो सब रुके हुए हैं, बाकी सारी दुनिया चले जा रही है उनके सामने। राइट, ओवर ओनरशिप का प्रॉब्लम, ओवर ओनरशिप का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत कम डिस्कस्ड बात है। हालांकि ज्यादा इस बात को कोई खुल के नहीं करता है, लेकिन रीजन यही होता है क्योंकि हर एक के पास वो स्टॉक है, हर एक के पोर्टफोलियो में बना हुआ है। मार्केट उस चीज को छोड़ देती है जो लगभग सबके पास है। देखिए, मार्केट बहुत स्मार्ट लोगों के काम करने से बनती है। आज अगर एक चीज हर आदमी के पास है तो मार्केट उसको ऊपर क्यों लेके जाएगी, आप मुझे बताइए। फिर वही बात अगेन आएगा, कोई चैरिटी तो खुला नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यानी ओवर ओनरशिप वाली जो प्रॉब्लम है, या फिर सुनील कहें कि इस क्वेश्चन को रीफ्रेम कर लेना चाहिए लोगों को। लोग ज्यादातर सुनील यही बात पूछते हैं ना कि मैं कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, क्या वो अपना सवाल इस तरह से कर सकते हैं कि क्या ये स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो बहुत ज्यादा ओल्ड तो नहीं है? देखिए, ओन्ड है या नहीं है इसका पता चलना बहुत मुश्किल है। इसका सीधा साधा फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, आ जाएगा आपको। जो स्टॉक आपको महंगा लग रहा हो उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और जो स्टॉक आपको सस्ता लग रहा हो उसको मत लीजिए। महंगा इन द सेंस ऑफ महंगा मतलब आपको ये लग रहा हो कि महंगा हो गया, अभी ये थोड़ा गिरेगा ना तब लूंगा, उसको वहां ले लीजिए क्योंकि वो गिरेगा नहीं। और जो स्टॉक आपको लग रहा हो कि बहुत गिर गया है, आप कहाँ गिरेगा, उसको कभी मत लीजिए, क्योंकि उसमें ही ओवर ओनरशिप की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके जैसे ही हैं सारे, वो सारे भी ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत गिर गया है, बहुत सस्ता हो गया, इसको ले लो। उसको मत लीजिए, आप उसको लीजिए जो आपको भी महंगा लग रहा है कि अभी महंगा है, अभी रुक जाता हूं। क्योंकि अगर आप रुक रहे हैं तो आपके जैसे और बाकी भाई भी रुक रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना आपको, कोशिश हमारी यही बताने की कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको अलग सोच रखनी होगी, एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोच कर चलना होगा। जिस दिन उसकी ओनरशिप का लेवल डाउन आएगा, उसी दिन उस स्टॉक में आप देखेंगे राइज आना शुरू। चलिए बिल्कुल, इस तरह के कई सारे स्टॉक्स हैं, नॉट जस्ट पर्टिकुलर रिलायंस, बट ये सिनेरियो इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ओवर ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो एक बड़ा रीजन है। इनफैक्ट अब आपने यहाँ पर बताया कि जैसे जैसे वीक हैंड्स उससे निकलते जाएंगे, शायद हम उसमें मुनाफा भी कमा पाएंगे, लेकिन मुनाफे से जुड़ी एक बहुत बड़ी दुविधा और रहती है लोगों के दिमाग में कि जब भी वो मुनाफा बनाते हैं, इनफैक्ट ये हम अपने बेस क्वेश्चंस में ऐड करेंगे इसको, इनफैक्ट शो के, कि ये हम हमेशा स्ट्रेस करते रहे कि हर एक के साथ हो रहा है कि जो भी आप मुनाफा बनाते हैं वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द लॉस जो आप कर जाते हैं। मुनाफा आप शायद सिर्फ 1,000 रुपये का करेगा, लॉस आप कर जाएंगे शायद 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है। एक्चुअली होता क्या है, ये एक्चुअली सबके साथ होता है। आज अगर वो अपना जो भी ट्रेडर है, वो अपना जितने टाइम से भी काम कर रहा है, वो अपनी कैसेट को रिवाइंड करेगा और देखेगा, जब जब उसने प्रॉफिट बनाया होगा, प्रॉफिट का साइज बहुत छोटा होगा। राइट। और जब जब उसको लॉस हुआ होगा, वो लॉस अचानक से हुआ होगा और बहुत बड़ा हो गया होगा। राइट, ये भी बहुत जरूरी है। ये तो ऐसा हमने पहले भी बात किया था काफी पहले कि सबके साथ होता है ये।
और सबके साथ क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत ही छोटा साइकोलॉजिकल रीजन है. एक्चुअली इसमें भी हमारा दिमाग का फंक्शनिंग काम करता है, ब्रेन का फंक्शनिंग. हमारा जो ब्रेन है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है एक्चुअली कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक अच्छी चीज को फील करता है सुख को जी, और एक बुरी चीज को फील करता है दुख को. ठीक है, तो हमारे ब्रेन के दो सेंसेस हैं ये एक्चुअली. तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो पार्ट सुख को फील करने वाला पार्ट है वो एक्चुअली ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है आदमी को, जो पार्ट उसको दुख को फील करने वाला है वो उसको कम पेन देता है. ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. okay. आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते. right, okay. आपको जब भी अच्छी फीलिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, आपको लगेगा ये मुझे हमेशा होती रहे, और जब भी पेन होगी आपको आप कहेंगे ठीक है हो रहा है कोई बात नहीं, जब तक वो बहुत नहीं बढ़ जाता. मार्केट के अंदर भी ये दो सेंटिमेंट है. आप प्रॉफिट बुक करते हैं आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, आप लॉस बुक करते हैं आपको पेन होता है. हमारे पास दो स्टॉक हैं, एक में हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक में हमें लॉस होना शुरू हुआ है. हम प्रॉफिट वाले को आज बुक करके आज की रात उस सुख का एहसास करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और वो जो पेन हमें लॉस बुक करने से होने वाला है हम उसको पोस्टपोन करते हैं. ठीक, हम कहते हैं कोई बात नहीं कल ले लेंगे. जी बिल्कुल, शायद कल बढ़ जाएगा. ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आई एम ऑल्सो कन्विंस कि हाँ ये बात होती है, क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज़ प्लेजरेबल है, जो जॉय दे रही है, जो खुशी दे रही है, उसे आज लेकर खत्म करें, आज ले लें इसे, और जो शायद तकलीफ दे रही है तो कल देख लेंगे. ये आज नहीं, ये ह्यूमन का नेचर है. आपको चॉइस हो दो चीज़ों के बीच में, एक से आपको सुख मिलने वाला है, एक से आपको दुख मिलने वाला है. आप हमेशा सुख वाली चीज़ को चॉइस करेंगे, चाहे दुख वाली चीज से आपको लॉन्ग टर्म में सुख हो, लेकिन फिर भी आप उस समय उस चीज को चॉइस करेंगे जिसमें आपको अच्छी फीलिंग आने वाली है. जी. तो प्रॉफिट क्या होता है, जब भी एक ट्रेडर जब काम कर रहा होता है तो उसके पास में जो सौदा होता है उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा होता है. अब वो उसको जब 3 बजे डिसीजन लेने का टाइम आता है कि मैं क्या करूं, तो वो बोलता है ये आज प्रॉफिट हो रहा है इसको आज ही ले जाओ, कहीं ये ना हो कि ये भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए. उसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि आज 2 ट्रेड है, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉफिट वाला ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए पहले इसको ले लो. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है. इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग एनालिसिस की जरूरत है, बहुत ही स्ट्रांग पेशेंस की जरूरत है, और बहुत ही समझ की जरूरत है कि आपको वहां पे क्या डिसीजन लेना है. ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड करने पे और लॉस वाले ट्रेड को बाहर निकलने से इस मार्केट में बड़ा पैसा बनता है. जो इन्वेस्टर हैं छोटे इन्वेस्टर, वो इसीलिए कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाते कि वो छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं और जो लॉस होता है उसको वो कैरी करते रहते हैं और उसको साइज को बड़ा होने देते हैं. चलिए, यानी इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि वाकई ये बात होती है, हमें लगता है कि शायद कल ये स्टॉक ऊपर चढ़ जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, और हम लॉस को एग्जीग्रेट पोस्टपोन करते रहते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं. जो पेन होने वाली है हमें उसको लेने से हम उसको पोस्टपोन करते हैं. राइट, और ये हम कभी कहीं नहीं प्रमोट कर रहे हैं, ये हम हमेशा कहते हैं अपने शो में, लगातार कहते रहते हैं कि आप शेयर बाजार में काम तभी करें जब आप नॉलेज और एनालिसिस कर सकते हैं. तो सिर्फ इन बातों को सुनकर कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये हैं, इनको सुनकर आप ट्रेड मत डालिए. आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए अगर काम करना चाहते हैं तो, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल. तो बिल्कुल मत कीजिए. बिल्कुल, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन जल्द वापस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक से. बाजार शास्त्रा zeenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, नोट करना ना भूलें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं. छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस हाजिर होते हैं. एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील बने हुए हैं. सुनील, एक और एस्पेक्ट है जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात कई बार की है अपने शो में. एक बहुत फेमस बिलीफ है, लोगों को ये मिथ है, बिलीफ है, डिसबिलीफ है, कंक्लूड करेंगे इसको भी, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो एक एक्टिव ट्रेडर है वो लॉस करता है, वो लूज करता है पैसा, बल्कि एक पेशेंट इन्वेस्टर जो है वो गेन करता है. क्या ये सही है? आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है. ओके, जो एक्टिव ट्रेडर है वो लूज करता है और पेशेंट इन्वेस्टर भी लूज करता है. पेशेंट इन्वेस्टर यानी आप पैसा अपना इन्वेस्ट करके भूल जाए, सो जाए. बिल्कुल, देखिए इस मार्केट में अगर आपको काम करना है तो आपको पेशेंट ट्रेडर होना है और एक्टिव इन्वेस्टर होना है.
पेशेंट ट्रेडर का मतलब है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें पेशेंस रखिए, बहुत छोटे छोटे मूव लेने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के लिए काम कीजिए, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना। और इन्वेस्टर जब हैं तो एक्टिव इन्वेस्टर बनिए। टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं, लेकिन एक्टिवली वॉच कीजिए अपनी चीज़ों को, आपके पास जो पड़ा हुआ है उस पर ध्यान रखिए क्या हो रहा है, लेके सोइए मत। इसीलिए इसका आधा हिस्सा सही है मैंने बोला कि एक्टिव ट्रेडर को लूज करता है। एक्टिव ट्रेडर का मतलब जो सुबह से शाम तक सौदा डालने के चक्कर में रहता है, उसको रहता है मैं 9:15 पे भी सौदा डालू, 3:25 पे भी सौदा डालू, वो अल्टीमेटली नेट में लूज करके जाएगा यहां से। हो सकता है दो दिन कमा ले वो, लेकिन वो नेट में लूज करके जाएगा। और एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कहता है मैं ले लेता हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, लेके मैं अभी आराम से देखता हूँ। मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए टाइम फ्रेम के लिए रखता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, हमने बहुत बार बात की, 10-10 साल बाद कितने स्टॉक यहाँ बचते हैं, कौन सा रहता है कौन सा नहीं, कंपनी को खुद पता नहीं होता उसके मालिकों की मेरी कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, आप उस पर पैसा लगा के आप सो जाते हो। चलिए अगर आपका होराइजन 5 साल का भी है, अगर आप मान लें आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, आप पेशेंट हो, लेकिन आप 5 साल में रिव्यू करते रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 5 साल वाले आप इन्वेस्टमेंट, आप 10 साल के लिए कीजिए, आप 20 साल के लिए कीजिए, उसको बीच बीच में रिव्यू करिए, अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे, ऐसे सेक्टर होंगे जो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको बाहर निकालिए, दूसरे को अंदर लाइए। ये करना बहुत जरूरी है, आप एक ही चीज पे स्टिक 20 साल तक नहीं टिक सकते। चलिए यानी अब आपको एक पेशेंट ट्रेडर बनना है और एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है। प्लीज टेक इट द अदर वे। इस तरह से अगर आप थ्योरी को मानेंगे, इन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे और बेसिक फंडास वही अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, तो वी आर वेरी श्योर कि आप नेट में प्रॉफिट ही में ही होंगे। और इसी के साथ शो को यही समेटते हैं, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन जाते आते बाजार शास्त्र zeenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, नोट करना ना भूलें। दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।